बारिश ने पीडब्ल्यूडी के कामों की पोल खोल दी। ऐसे में आप तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि बख्तावरपुर से अलीपुर NH-44 को जोड़ने वाला ये रास्ता है, जबकि इस रास्ते से हजारों वाहन दिन में गुजरते हैं जो कि NH-44 पर जाते हैं, लेकिन इस रोड को बनाए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन अब बारिश आई तो उसने इसकी पोल खोल दी। आप देख सकते हैं कि इस रोड पर तमाम जगह इसी तरह के गड्ढे आपको नज़र आएंगे, क्योंकि बारिश के पानी ने इस रोड की जो है PWD विभाग की जो है वो पोल खोल के रख दी है, क्योंकि इस रोड का अभी भी फिलहाल काम चला हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इस रोड की जो है पोल वो खुलती नज़र आ रही है। ये बख्तावरपुर रोड पर बॉयज़ स्कूल है, जिसके सामने भी ये रोड टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो रोड है वो नीचे से दिखने लगा है, जिससे कि साफ तौर पर जो PWD के काम हैं उन्होंने किस तरह के काम किए हैं वो तमाम जो काम हैं वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ऐसे में कई जगह गड्ढे हो गए हैं, तो इसी तरह इस पूरे रोड पर कई किलोमीटर तक इस रोड पर आपको इसी तरह के गड्ढे नज़र आएंगे, जबकि इसमें किस तरह का मटेरियल लगाया गया था वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किसी को बताने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे रोड पर कुछ इसी तरह के गड्ढे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जबकि इस रोड पर जो है वो ढलाव जो है पानी का वो ठीक से नहीं किया गया, जिसमें कि रोड पर जो भी पानी आता है वो डायरेक्ट सीधा नाले में चला जाए, लेकिन ये इस रोड का जो है पानी नालों में जाने की वजह रोड पर ही रह जाता है, जिसकी वजह से ये रोड जो है वो टूटा हुआ है। कई जगह इस तरह के गड्ढे आपको पूरे रोड पर देखे जाएंगे, क्योंकि इस रोड को बनाए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन अब बारिश आई है तो उसने भी इसकी पोल खोल के रख दी। अब देखना होगा प्रशासन की तरफ से इस रोड को दोबारा से सही तरीके से बनाया जाता है, या फिर इस पर जो है केवल पुट्टी भरकर इन गड्ढों को भरकर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अभी मानसून बाकी है, आने वाले दिनों में और भी बारिश होगी, लेकिन इस पूरे रोड की दुर्दशा जो है वो पहले ही बारिश में इस तरह की हो गई, तो आने वाले जो बारिश है उसमें किस तरह की नज़र आएगी। इस रोड पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं, लेकिन लाइट भी इस रोड पर नहीं लगी है। हालांकि लाइटों का भी काम जो है वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा हुआ है। शिकायतकर्ता की बात माने तो शिकायतकर्ता ने एक शिकायत लगाई थी जिसमें कि इन लाइटों का जिक्र भी किया था। हालांकि 30 जुलाई को ये लाइट चालू हो जानी थी, लेकिन अभी तक इन लाइटों का काम भी पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल इस रोड पर अंधेरा भी रहता है, अक्सर इस रोड पर हादसे भी कई बार हो चुके हैं। इस रोड की वजह से कई लोगों की, कई बच्चों की जान भी जा चुकी है, लेकिन